ओके सो वेलकम ऑल। और जो भी सर ने बताया था मेरे बारे में, बस मैं थोड़ा ब्रीफ मेरे बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं एक पुणे से सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, छोटी सी कंपनी चलाता हूँ। सो इस स्टॉक मार्केट में आने के लिए मुझे एक फ्रेंड ने रिकमेंडेशन दिया था। सी होता क्या है कि आपको शायद ये यूट्यूब पे या नेट पे आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, सब स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। बट ये सब स्टडी मटेरियल आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, नॉलेज देगा, आपको कोई सिखाएगा नहीं ये सब चीजें। और आपको सिखाने के लिए आपको एक किसी गुरु की ही जरूरत है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बताना चाहता हूँ कि आज आप बहुत सही जगह पे आए हो। यही फीलिंग मेरा था पहले 1 या 2 दिनों में भी, मैं भी यही सब चीजें देख रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने सर्च नहीं किया कहीं पे, काफी सारा मटेरियल सर्च किया, काफी सारे वीडियोस देखे, काफी सारे कोर्सेस अवेलेबल थे, बट वही सब चीजें हो रही थी। मैं पढ़ पा रहा था उसको, इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, बट मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, उसको मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे कुछ ये क्या बोलते हैं, बेसिक फंडा मेरा बहुत क्लियर था कि ये सब सीखने से कुछ पैसा कमाना है। तो हम लोग सभी का आज जो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मेन उद्देश्य तो वही होगा कि हम लोगों को पैसा कमाने का, ये सब चीजों से। और ये सब इन्फॉर्मेशन सिर्फ मिल रही थी बट समझ में नहीं आ रहा था, पल्ले नहीं पड़ रहा था, तो कुछ आउटपुट भी नहीं आ रहा था। मेरा एक फ्रेंड था प्रदीप शिंदे, उन्होंने मुझे बोला कि यार इतने इतने सारे दुनिया घूम के आई, एक बार सर से एक बार बात तो कर ले। तो बस एक बार सर को बात किया। फॉर्चुनेटली मैं भी सर के गांव से ही मेरी डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँ, धुलिया से ही मैं काफी मेरा एजुकेशन टाइम धुलिया में ही गया हुआ है। सो एक कनेक्ट भी बन गया था वो पहले ही कॉन्वर्सेशन में। उसके बाद धीरे 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 कोर्स शुरू हुआ। पहले बहुत डर था, जैसे कि शायद आपके सभी के मन में होगा, कोई बोलता है ये शेयर मार्केट सट्टा है, जुआ है, कोई उसका भरोसा नहीं है। बट जब आप एंड ऑफ द कोर्स ये सब चीजों को आप सब भूल जाओगे, आपको समझ में आएगा कि इसको अगर हम लोग सिस्टमेटिकली देखें, थोड़ी अलग तरीके से देखें, चीजें वही है, ये सब जो सर सिखा रहे हैं सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा नेट पे, बट आपको कुछ ना उसका स्टॉप लॉस समझ में आएगा, सपोर्ट लाइन समझ में नहीं आएगी, रेजिस्टेंस क्या होता है वो समझ में नहीं आएगा, वॉल्यूम्स किसके कहते हैं, आरएसआई किसको कहते हैं, ये कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे यही सब चीजें आपको शायद 1 या 2 सेशन में शायद पूरे क्लियर हो जाएगी, जैसे कि मुझे हुआ था। मैंने थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया था, वो एक बेनिफिट। अगर मैं उसको अलग भी बात करूँ तो मेरे काफी फ्रेंड्स जो बाद में सर से ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने भी वही भी इन्फॉर्मेशन दी कि हमें कुछ नहीं पता था, जब हम लोग करने लगेंगे तो फिर हम लोगों को समझ में आया। और आज 12 दिन के बाद मैं फॉर्चुनेटली मैं वो गोल्डन बैच का बैचमेट हूँ। और वहां से 12 पहले सिर्फ आज 12 दिन नहीं है, शायद मैं कोर्स कंप्लीट करके भी ऑलमोस्ट मोर महीना देन भर हो गया। 2 मंथ्स शायद ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि बट आपके मोर बैच और में मैंने लेस। आरबी आरबीएनएल का स्टॉक दिया था। हाँ और मेरा शायद आप सर के पास स्क्रीनशॉट भी होगा कि मैंने मेरा पहला जो कमाई किया था 1-1.5-2 साल के बाद, ये 12 दिन के बाद किया था, जहां पे मैंने ऑलमोस्ट 18% से कुछ मैंने वो स्टॉक सेल आउट किया था, और वो मेरा इन स्टॉक मार्केट का पहला कमाई था ये बैच कंप्लीट करने के बाद। और तब से थोड़ा बहुत चल रहा है अभी। और जो भी चीजें मुझे समझ में नहीं आती, मैं आज भी सर के टच में हूँ। मैं ही नहीं, मेरे जैसे शायद 800-900 स्टूडेंट्स रहेंगे जो 1 नंबर से बैच के लेकर शायद आज 51 या 52 रहेगा, सब फोर्थ लोग है अपना। 54th इट इज। तो सब लोग ऑलमोस्ट मोर देन 800 स्टूडेंट्स का पूरा एक ग्रुप है, जहाँ पे 800 बच्चे लोग कुछ ना कुछ क्वेरीज पूछते हैं और सबको आंसर किया जाता है सर की तरफ से। किसी को शायद एक आधे दिन लेट मिलता होगा बट आंसर्स सबके मिलते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में कभी कभी कोर्स करने के बाद भी कुछ कुछ चीजें समझ नहीं होती है, कुछ नई नई कॉन्सेप्ट्स मार्केट में आती रहती है। ये सब आपको शायद ये 12 दिन में कवर नहीं होगा, बट ये आप नो यू विल बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये सब चीजें आपको थ्रू आउट द लाइफ कवर होगी ना। अभी मैं शायद अगर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ, सर ने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है कि आप एक बार फीस भरो और आप 10 बार उसका रिपीटेशन करो। मुझे लगता नहीं किसी को जरूरत पड़ेगा पर आप हम लोग ये करने के बाद, बट दिस इज द फैसिलिटी, ये शायद आपको कहीं मिलेंगे नहीं। और कंसेप्ट
और टेक्निकल एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका टेक्निकल एनालिसिस है। आपको एक नया विजन मिलेगा, आपको पूरा एक थॉट प्रोसेस ही अलग हो जाएगा कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर मार्केट से धीरे धीरे स्टॉक से लेकर आपको RSI तक जो भी टेक्निकल चीजें है, 0 से लेकर 10 तक अगर मैं काउंट करूं अपर स्केल में, तो आपको वो पूरा नॉलेज मिलेगा। और रही बात कमर्शियल्स की, तो शायद मैंने मेरे पहले ही स्टॉक में मेरा फीस कवर कर लिया था, टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग। और ये धीरे धीरे अभी मैं, आज मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, सो आई नो कि ये इसका क्या महत्व है टाइम का और ये सब पैसों का। तो आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मेरा जो भी स्ट्रीमलाइन मेन इनकम सोर्स है, उसके साथ साथ मैं बहुत स्ट्रांगली अब स्टॉक मार्केट को मेरा सेकंड इनकम सोर्स बना रहा हूँ। और पिछले 1-2 महीने में काफी हद तक, जहां मैं शायद पिछले 2 साल में नहीं कर पाया, शायद ये मैं 2 महीने में वो लेवल तक रीच कर चुका हूँ। आप ऐसा होगा कि मैं सर के पीछे पड़ा हूँ कि आप अगला बैच कब स्टार्ट कर रहे हो, आप ऑप्शन का कब ले रहे हो, ऐसे मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि अगले बैच का हम लोग वेट कर रहे हैं, अगला कोर्स का हम लोग वेट कर रहे हैं, अगले एक नए कंसेप्ट के बारे में हम लोग सर से ही क्या बोलते हैं उसको समझना चाहते हैं चीजों को। बस यही सब चीजें हैं। और आई एम वेरी मच श्योर कि, और मैं फिर से बोलता हूँ कि बहुत जिम्मेदारी से कि आप बहुत सही जगह पे आए हो। और दो तीन क्वेश्चन आपके लोगों